नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों के शिकायतों और समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया और उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया गया। सीएम धामी ने एक एक कर सभी की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपनी समस्याएं लेकर आने वालों में कुछ दिव्यांग भी थे। मुख्यमंत्री धामी खुद उनके पास गए और उनकी शिकायतों की जानकारी ली। सीएम धामी ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त सभी जन शिकायतों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। अधिकारी पूरी गंभीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता से करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारी फिक्स करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के रवि सिंह रोथाण द्वारा यह बताए जाने पर कि उनके पिताजी की शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद GPF की राशि देने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, सीएम धामी ने इसके जांच के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि जानबूझकर विलंब किया जाना पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शक्ति फार्म के सुहास हल्दर द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त की राशि न आने की बात पर मुख्यमंत्री ने मामले का परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के राजेश कुमार सैनी द्वारा पुलिस में उनके प्रकरण की सुनवाई न होने की शिकायत की गई। सीएम धामी ने DIG गढ़वाल को इसकी जाँच करने के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। उम्मेद सिंह रावत द्वारा छूटे गए राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग पर सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने पहले ही राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। काशीपुर के कुंवर सिंह ने उनके बच्चों को एजुकेशन लोन दिलाने, देहरादून के कमलेश ने PM शहरी आवास में आवास दिलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इन पर समुचित कार्यवाही करने को अधिकारियों को कहा है। प्रदीप कुमार ने आवास विकास परिषद में मकान का नक्शा पास न होने की बात कही, जबकि व्यापार मंडल देहरादून के अभिषेक वर्मा ने भी उनके यहां नक्शा पास की व्यवस्था कराए जाने का आग्रह किया। जसोवाला के नंदकिशोर गौड़ द्वारा बारातघर के लिए अनुरोध करने पर सीएम धामी ने DM देहरादून को इसका परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सोमाटा के सरदार सिंह द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को ठीक कराने के आग्रह पर सीएम धामी ने कहा कि 15 सितंबर से पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान शुरू किया जा रहा है। घनचाली के उमेश सिंह बिष्ट ने किसान सेवा केंद्र में कंप्यूटर दिए जाने की बात पर मुख्यमंत्री ने इसके प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।